नमस्कार, सिमरन की रसोई डॉट कॉम में मैं सिमरन बंसल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पाव भाजी बनाएंगे। पाव भाजी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, सभी को ये बहुत ही पसंद आती है। आज जो हम पाव भाजी बना रहे हैं वो स्टिक फूड स्टाइल में बना रहे हैं। इसे घर पे बनाना बहुत ही ईजी है। तो अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम पाव भाजी। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। एक छोटी साइज की शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक गाजर बारीक कटी हुई, आधा कप हरी मटर, आधा फूल गोभी, दो मीडियम साइज के प्याज बारीक कटे हुए, दो मीडियम साइज के टमाटर बारीक कटे हुए, बटर, एक इंच टुकड़ा अदरक का ग्रेट किया हुआ। मसालों में मैंने यहाँ पर दो छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ली है। कश्मीरी लाल मिर्च से पाव भाजी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। एक छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, आप पाव भाजी मसाला की जगह गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। एक छोटी चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक दो पिंच हींग और एक टेबलस्पून में यहाँ पर कुकिंग ऑयल यूज करूंगी। और मैंने ये यहाँ पर छह पीस पाव लिए हैं। पाव भाजी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम ये सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे। गोभी भी डाल देंगे। वेजिटेबल्स डालने के बाद अभी इसमें हम मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर आधा डालेंगे, आधा हम तड़के के लिए रख लेंगे। सारे मसाले हम आधे आधे डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और सब्जियों को 10 मिनट तक पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जियों को पकते हुए। आप देख सकते हैं हमारी सब्जी काफी नरम भी हो चुकी है। अब हम सब्जियों को पोटैटो मिक्सर की सहायता से इस तरह से मैश करेंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसको इस तरह से मैश करते हुए हम पकाएंगे। अब इस तरह से पाव भाजी बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन खाने में ये बिल्कुल स्ट्रीट फूड की तरह ही होती है। जो हम ठेले पे खाते हैं पाव भाजी, बिल्कुल उस तरह से ही इस पाव भाजी का टेस्ट आता है। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो सारी सब्जियों को कुकर में डाल के 3-4 सीटी लगवा लें, फिर मसाला सेक कर मसाले में वे सारी सब्जियां डालकर इस तरह से पोटैटो मैशर से उनको मैश करें। लेकिन इस तरह से बनाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं कुकर में उबालकर भी बनाती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों को ज्यादा इस तरह से पसंद है, ज्यादातर मैं इसी तरह बनाती हूँ। जब मेरे को जल्दी होती है तब मैं कुकर में बनाती हूँ। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप पाव भाजी बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से बनाएं। इस मेथड से बिल्कुल स्ट्रीट फूड वाला टेस्ट आता है। ये भाजी को मैंने 3-4 मिनट तक अच्छे से मैश कर लिया। आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी हमें थिक लग रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको फिर से मैश करेंगे। हम गैस की फ्लेम में यहाँ पर हम मीडियम टू लो रखेंगे। सात आठ मिनट हो चुकी है भाजी को मैश करते हुए। आप देख सकते हैं हमारी भाजी काफी हद तक मैश हो चुकी है। अब ये मेरे को थोड़ी सी थिक लग रही है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और पानी को मिक्स करके हम इसको थोड़ा सा इसी तरह छोड़ देंगे और दूसरे चूल्हे पे अब हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेंगे और बीच बीच में इसे भी हम मैश करते रहेंगे। भाजी में तड़का लगाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई रख दी है। इसमें हम एक टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और तेल को थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम थोड़ी सी कसूरी लाल मिर्च डाल देंगे
और थोड़ी सी हल्दी। अब इसमें हम ये अदरक डाल देंगे। थोड़ा सा चला लेंगे। चलाने के बाद इसमें हम ये प्याज डाल देंगे और प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें हम ये टमाटर डाल देंगे। और साथ में बचे हुए ये मसाले डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर। अब सारी चीजों को मिक्स करते हुए हम तेल छोड़ने तक पकाएंगे। ये हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसको हम अपनी भाजी में डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसको हम फिर से पोटैटो मैशर से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ये मक्खन भी डाल देंगे और अच्छे से हम 6-7 मिनट तक इसको मैश करेंगे। छः सात मिनट हो चुकी है भाजी को और मैश करते हुए। आप देख सकते हैं हमारी भाजी लगभग बिल्कुल बन चुकी है। कितना अच्छा कलर भी आया है, बिल्कुल एकदम बाजार जैसा, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लुक और एक्स्ट्रा टेस्ट देने के लिए हिंग का तड़का लगाएंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो छोड़ सकते हैं, इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तड़के के लिए हम गैस पर एक बड़ी चम्मच रखेंगे। इसमें हम बटर डाल देंगे और बटर को हल्का सा मेल्ट होने देंगे। बटर के मेल्ट होने पर इसमें हम ये हींग डाल देंगे। ये हमारा तड़का तैयार हो चुका है। तड़के को भाजी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी भाजी बनकर तैयार है। इसको हम एक साइड में रख देते हैं। अब हम अपनी पाव सेक कर तैयार कर लेते हैं। सेकने के लिए मैंने गैस का तवा रख दिया है। इसमें हम ये बटर डाल देंगे। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। गैस की फ्लेम यहाँ पर हम लो रखेंगे और पाव सेकने से पहले हम बीच में से इस तरह से इसको काट लेंगे। ऊपर इस तरह से इसको हम सेकेंगे। अब इनको हम उलट देंगे। और दोनों तरह से इस तरह से हम सेक लेंगे इसको। ये हमारी पाव सिक चुकी है, इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरी पाव हम इसी तरह सेक लेंगे। और ये हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। थोड़ा सा इस पे हम बटर रख देंगे। और ये लीजिए हमारी पाव भाजी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है। बिल्कुल भाजी का हमारा एकदम बाजार जैसा कलर आया है और टेस्ट में भी बिल्कुल वैसी ही है। तो आप भी इस तरह घर पर ये पाव भाजी जरूर बनाएं, खाएं और फिर अपने कमेंट्स मेरे चैनल पर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।